Assalamualaikum and welcome back to another vlog. क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है आप सब? आज हमारा सीन ये है कि आज जुमे का दिन है. पहले तो जुमा मुबारक, अभी हम जुमा शुमा पढ़ के फ्री हो गए हैं. आज का सीन ये, हमने अपनी जो 88 के हमने PC रेसिंग के कॉलर्स मंगवा के उसमें बैग्स फिट करवाए हैं. हमने आज वो बासित के बाद जा रहे हैं, वो फिट करने हैं. हमने फिटमेंट बना रही है, एक परसों शो है. तो इंशाल्लाह करांजे हमने गाड़ी पर डाल दिए हैं और अब माशाल्लाह लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. बस फिटमेंट के थोड़े से मसले थे, कैम्बर शैम्बर याद होगा आपको, और गाड़ी स्टैटिक हुई इन कॉलोवर्स पे, तो ये निकालने और BC रेसिंग के कॉलोवर्स हमने गाड़ी में डालने हैं. अभी हम निकल पड़े हैं रास्ते में, तो लेट्स गो, लेट्स सी क्या सीन पड़ बनते हैं आज के. ये जो हमने कॉलोवर्स और बैग इसमें डाले थे ना, एक तो इसकी लीकेज बड़ी है. ये जो है ना लेफ्ट वाला पिछला टायर, ये बार बार लीक कर जाता है. अभी गाड़ी स्टैटिक और वाइब्रेशन, आप देख रहे हो मेरा हाथ, मैंने अपना स्टेबल रखा हुआ है लेकिन स्टेबल नहीं हो रहा. इसने मेरी पूरी गाड़ी कह लो हिला दी है. डैशबोर्ड लूज हो चुका है, पाइप मेरी लटक गई है, वाइब्रेशन आप सुन सकते हो. ये जो बैग्स और कॉलर्स हमने डाल दिए थे ना, ये मज़ा नहीं कराए, इसलिए हम वापस गोइंग बैक टू एयरवर्क्स. प्लान मेरा यही था, बट वो हैं बड़े अच्छे जाने वाले, उनके कहने पे उन्होंने कहा कि डाल लो अभी के लिए. मैं कहा ठीक है डाल लेते हैं, लेकिन उसने मेरी सारी ड्राइव ख़राब कर दी गाड़ी की. मतलब चलाने का मज़ा ही नहीं आ रहा, घर वाले गालियाँ लगा दे रहे हैं कि क्या कर दिया इसको. अब हम जा रहे हैं बासित के पास एयरवर्क्स. गाड़ी इतनी गंदी वाइब्रेशन कर रही है ना, पता नहीं आप लोगों को आवाज़ें आ रही कि नहीं, पूरी गाड़ी हिल रही है. अब इसी से अंदाजा लगा दो ये जो हो रहा है, ये चेक करो, ये मैंने स्टेबल रखा हुआ है हाथ अपना, ये वाइब्रेशन है और ये हाइट है, देख लो ये फिर लीक हो गई है. करते हैं थोड़ा सा, खैर आज इंशाल्लाह ये सारे मसले हल कर देंगे हम. ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं टूवर्ड्स बासित एयरवर्क्स. अब यहाँ पे जो हमारे कट्टे बज रहे हैं ना, वो हमें पता है. अब चेक करो, ओए ओए, ये स्टैटिक फॉर यू. ओ ओ ओ ओ, चलो जी पहुंच जाओ, आ भी जाओ. इधर ही है कहीं, लास्ट में आया था आई थिंक सो. I think this is it. Yes, this is it. Oh, यही है. अच्छा तो बॉयज, हम लोग इधर पहुंच गए थे बासित के पास. बासित से भी आपको मिलवाते हैं. गाड़ी इन्होंने लगा के जैक शैक पे गाड़ी खोलना शुरू कर दी है शौक से इसके, बल्कि वो अगले वाले तो फिट भी हो गए हैं. ये थे वो जो आप चेक कर रहे हो ना, हैंडमेड, और ये मार्केट से कॉलोवर्स के ऊपर बनाए हुए. तो ये इस वजह से इतनी ये हार्ड ड्राइव थी मेरी गाड़ी के अंदर से ना, हर चीज़ खड़क गई थी. ये मेरे नहीं है, ये चेक करो, ये मेरे नहीं है. हाँ मैं यही बता रहा हूँ कि मतलब ये चीज़ ना, बस छोड़ दो, ये चेक करो, जेन्युइन फिटिंग टोटली. अब ये हर चीज़, इसका हार्ड सॉफ्ट भी चलता है ये गाड़ी. अब अल्लाह करे अच्छी ड्राइव पे आ जाए वापस, क्योंकि मैं भाई मिस करने लगे था. पीछे हमने स्पेसर डालने हैं, स्पेसर डाल के ये हम रिम लगाएंगे. दूसरा हम ये फिटिंग जो इसके कॉलर्स की थी ना BC रेसिंग की, इसकी फिटिंग में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, तो ये थोड़े से हम चलवाने लगे. बस इंशाल्लाह और कोई थोड़ी देर तक पाइप्स भी उन्हें चेंज करनी है. इसका सेटअप हमारा हुआ पड़ा है, लेकिन हमने ये पाइप्स सारी चेंज करनी है, क्योंकि ये पाइप्स जो है ना, ये बहुत नाजुक पाइप्स हैं. और इस पाइप का ये आप चेक करो, इस पाइप का मुँह देखो, देख रहे हो? और जब हम डालेंगे उसका देखना, इससे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा निकलेगा तो अब स्पीड थोड़ी तेज़ हो जाएगी. अभी गाड़ी सारी ही हवा में है, तो इंशाल्लाह सून इसको हम ले जाएंगे एयर पे करके वापस प्रॉपर. और क्रांजे पे हम एक दफ़ा इसकी कैम्बर शैम्बर करके अब हर चीज़ फिटिंग शिटिंग फिटमेंट इधर से बना के निकलना हमने. चेक दैट, माशाल्लाह इसने स्टूडियो बड़ा प्यारा बना दिया है. ये ऑफिस बॉय सारे बैठे हुए हैं, ये चेक करो, गुड लाइटिंग इधर भैया, आपका सोना बड़ा लग रहा है लाइट्स में. ये हमारा इन सून गाड़ी मरी वापस अपने अच्छे जोबन वाली ड्राइव में हो जाएगी इनशाला, लेट्स वेट. अब सीन ये था, जो हमारे पुराने जो ये लगे हुए ना, ये देखो ये अभी तक इधर पुराने वाले लगा हुआ है. ये जो है ना बैग इतना बड़ा है, चौड़ा है, पीछे हमारा टायर और यहाँ पे रिम रगड़ता था, इसकी वजह से हमने पॉजिटिव कैम्बर किया था. सारे आप लोग कहते थे ना कि भाई कैम्बर सीधे करो, कैम्बर सीधे करो, इसकी वजह से हम टायर को पीछे जगह नहीं थी इस बार.
हमने स्पेसर रखा है, स्पेसर रखने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा नेगेटिव कैम्बर करेंगे नो फिटमेंट के लिए इंशाल्लाह। ट्रांजर पे गाड़ी फिट लगेगी। अब वो सेटिंग कर रहा हमने काट दिए हैं स्टड काट दिए, स्टड टूट भी गया। ये तो इसके स्टड पता नहीं सारे टूट ही जा रहे हैं। ये चेंज करते हैं अब तो लगी क्या इसके नट दे। हाँ जी बासित भाई ये चेक यार, ये यहाँ तक आ गया लेकिन ये वजन पर गाड़ी का तो यहाँ तो खुद ही लिख के आ जाएगा। बताया ये टायर लग रहा है यहाँ से, इसको यहाँ शेप कर लो या फिर फाइनल थोड़ा पुल कर लो तो फिर कैमरा इतना घोरे का नहीं देख दो तो काटते ये साहब। मैंने पहले किया है ना उस तरह से कर लो। नहीं ये वैसे इधर तक तो ओके है। नहीं नहीं गाड़ी यहाँ तक लानी है, क्लिप पे तो है। बेहतरीन है बेहतरीन है माशाल्लाह, लुकिंग वेरी नाइस, फुल फिटमेंट, कैमरे इधर माइनस 8 है, बहुत बेहतरीन है। वो देख किनारी और लिप बिल्कुल उस पर है। हमारे जो कंप्रेसर ज़्यादा शोर करने लगे ना, ये मुझे अब पता चला कि इसके अंदर फिल्टर्स होते हैं, वो साफ़ होने वाले या चेंज होने वाले हैं। ये भी खोलते हैं देखते हैं इसके अंदर हमारे क्या गिफ्ट निकलता है। रीत भाई यार इनको खोलना है, इसके फिल्टर चेंज होने हैं। बासित कह रहा है आप खोल सकते हो। खोल तो मैं ही दूंगा। रोटी नहीं खाई ना आज, बुखार हुआ है। ये एंजॉय हो रहा है, बस एक काम कर रहा है, फिटमेंट मिला रहा है, चेक करो। ब्यूटीफुल भाईजान, ये बासित साहब कह रहे हैं कि हम गेम करने तो पूरी करनी है, किनारी पे हमने बिठानी है। अभी फेंडर रोलर आ गए इंग्लिश स्टाइल, ये भी सर्विस अवेलेबल है फेंडर रोलिंग। ये रख के इसको हमने थोड़ा सा बाहर और वाइड करना ताकि हमारा टायर जो है ना वो बेचो लिप के ऊपर, उसके ऊपर आगे ना उठाना ऐसे, हमें टायर भी ना काटना पड़े ऐसे आगे थक बजे। थोड़ी लाइफ स्टाइल भी कर दिया इसको हमने। ये जो है ना यहाँ पे बज रहा था टायर, ये चीज़ हमारी हमने थोड़ी अंदर की है, ये ऊपर कर दिया। लेट्स गो, किनारी फिटमेंट हो जाए। ओके हो गया बॉस, अभी और बिठानी है, चुम्मी करानी है इसकी। अरे ठीक है चल गया, चुम्मी हो जानी आज भी हमने वजन डाला है। कोई नहीं फेंडर की खैर है, हो जाएगा, ये क्रैक्स आई हैं लगे लगे उसकी खैर है, ठीक है ना। हाँ आप माशाल्लाह, अब इसको हेड निकाल दूंगा। फाइनली सारा कुछ फिटमेंट शिटमेंट हर चीज़ हो चुकी है, अभी हमने फिटमेंट दिखाई नहीं है, वो आपको दिखाते हैं गाड़ी वॉश वूश करा के। फाइनल जो फिटमेंट हुई है अभी, बस ये टायर थोड़ा सा पीछे रगड़ा था वो सेट कर रहे हैं, तो फिर जाके इसकी ड्राइव लेकर आते हैं, देखते हैं क्या सीन बन रहा है। और अब हम कोयटा पहुंच गए फाइनली चाय के लिए, मज़ा आ गया। फिटमेंट माशाल्लाह बहुत प्यारी बन गई है, तस्वीरें तो आपने देख ली होंगी, तो इंशाल्लाह अभी भी आपको बाहर जाके दिखाते हैं, चाय पी के दिखाते हैं। चेक दैट बॉयज फिटमेंट, अभी थोड़ी टेढ़ी खड़ी है जैसे, वरना ये भी लिप पे ही है माशाल्लाह, लुकिंग ब्यूटीफुल माशाल्लाह माशाल्लाह, चेक करो ओके हो गई है।
ग्रांजे अब मजा करा रहे हैं, ग्रांजे के पैसे पूरे हो गए। ठीक है बॉयज़, ये ब्लॉग हम इधर ही ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।